हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रगेश गुप्ता। आज आप देख रहे हैं पीजी क्लाउड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी टिकटॉक वीडियो को कैसे वायरल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हर एक बंदा दूसरा बंदा सोचता भाई मैं वीडियो टिकटॉक पे वीडियो बनाऊं, या तो वो बना ही रहा होता है, ठीक है। तो उस पर आपको फेमस होने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी वीडियो को करना पड़ता है वायरल। तो दोस्तों, वो कैसे वायरल होगी वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि टिकटॉक की जो अर्निंग्स होती है वो आपके पास कैसे आती है, कितनी आती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाना ताकि आपके नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताने से पहले बता दूं कि टिकटॉक का एल्गोरिथम क्या है। कि दोस्तों, आपको वीडियो वायरल करने से पहले आपको वो समझना पड़ेगा, आपको उसके जरिए ही काम करना पड़ेगा, तभी आप दोस्तों आप अपनी वीडियो को टिकटॉक पे वायरल कर पाओगे। दोस्तों, टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है गाइस, वो भी व्यूज पे टिका हुआ है, ठीक है। आपके जिस हिसाब से व्यूज, जिस हिसाब से वॉच टाइम आता है वीडियोस पे गाइस, उसी हिसाब से आपकी वीडियो वायरल की जाती है। गाइस, क्या होता है जब आप टिकटॉक पे वीडियो कोई अपलोड करते हो तो गाइस वो वीडियो 10 से 15 लोगों पे भेजी जाती है, ठीक है। और गाइस, अगर वो वीडियो, वो जो 10 से 15 लोग हैं उनमें से कम आधे बंदे आपकी वीडियो को जितने भी सेकंड्स के उससे आधे से या उससे ज्यादा देखते हैं, तो गाइस वो आगे और बंदों पे भेजी जाती है। लाइक आप सोचो कि आपकी वीडियोस है 15 सेकंड की और आपको 10 बंदों पे भेजी गई, और उसमें से आपकी वीडियो को 5 से 6 बंदों ने 8 मिनट और उससे ज्यादा मिनट पे सेकंड्स पे देखा है, तो गाइस टिकटॉक आपकी वीडियो को और यूजर्स पे भेजेगा। और गाइस, अगर उन लोगों ने उससे कम देखा या अच्छा रिस्पांस नहीं है आपकी वीडियो पे, तो टिकटॉक उसे नए व्यूअर्स पे नहीं भेजेगा, जिससे कि आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी वीडियो में जो करना है कि कुछ सस्पेंस बना के रखना, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करनी है जिससे कि जो व्यूअर्स हैं वो आपकी वीडियो को कम से कम 8 से 10 सेकंड देखें, वो चिपके रहें, वो सोचे अब कुछ होगा अब कुछ होगा, ठीक है। तो आपको अट्रैक्शन अपनी वीडियो में बनाए रखना है, ठीक है। साथ ही साथ गाइस, अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी, आप टिकटॉक चलाते हो तो आप भी वही वीडियो देखना पसंद करते हो जिसमें लोगों के बीच में टिकटॉक बनी होती है। दोस्तों, ये बात भी देखी जाए तो फैक्ट वाली बात है कि ज्यादातर टिकटॉक वीडियो वही वायरल होती है जो पब्लिकली बनी होती है, मतलब कि पीछे बैकग्राउंड में काफी सारे लोग होते हैं, एकदम रोड के आसपास बनी होती है, तो उसमें दोस्तों ये वीडियोस ऐसी जो होती है इनमें वायरल होने के ज्यादा चांस होते हैं। लेकिन गाइस, इसमें अब आपका हो गया थोड़ी शर्म ज्यादा आती है, बट अगर आप शर्म करोगे तो गाइस आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको शर्म सब हटानी पड़ेगी। जो लोग आपको उस समय देख के हंस रहे होंगे वही आपको आने वाले टाइम पे आपसे हाथ मिलाने फोटो खिंचाने के लिए तरसेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपने ये नहीं करना है, आपने शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको पब्लिक में वीडियो बनाने की कोशिश करनी, क्योंकि गाइस उन वीडियो का वायरल होना ज्यादा मतलब कि होता है चांस कि वो वीडियो ज्यादातर वायरल होती है। जो अगर आप अकेले कमरों में या वैसे बनाते हो तो वो नहीं होती, आपने खुले में बनाने की कोशिश करनी कि पब्लिकली बनाओ तो वो ज्यादा वायरल होने के चांस होते हैं। गाइस, दूसरी बात आती है बैकग्राउंड की। गाइस, अगर आप पब्लिकली नहीं बना सकते तब भी गाइस आपने कोशिश करनी कि आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, आपके बैकग्राउंड में कुछ दिख रही हो, कुछ मेमोरियल चीज दिख रही हो, या फिर खुला हो काफी अच्छा, मतलब जितना अच्छा बैकग्राउंड होगा वो भी अच्छे चांस बढ़ जाते हैं। गाइस, अगर आपको बात करूं कि अगर आपकी वीडियो किस गानों पे होगी वायरल, क्योंकि गाइस ये सबसे बड़ा मेन टॉपिक है कि आप किस गाने पे वीडियो बनाओ, तो दोस्तों आपने नए जो गाने लॉन्च हो रहे हैं गाइस उनमें तो बनानी है, उनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट जैसे ही गाना लॉन्च होता है आपने बना के पोस्ट कर देनी है, ठीक है। लेकिन गाइस उसके साथ साथ आपके साथ भी 10 से 15 बंदे जितने और यूजर्स हैं वो भी उस गाने पे बनाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो पुराने गाने हैं, ठीक है, जो मतलब यूनिक गाने जो लोग कम सुनते हैं उनमें से जो लाइन है वो अच्छे से लाइन निकालनी है, उस पर बनानी है, ठीक है। कि वो जो यूनिक गाना है वो आप बनाओगे, ठीक है, लोगों के दिमाग में नहीं होगा, हो सकता आप पहले हो या उनपे कई लोगों ने कम लोगों ने बनाई और आपकी देख के और लोग बनाए, तो गाइस अगर आपकी वीडियो आएगी ओरिजिनल में, आपने ये चीज नोटिस की होगी, और ओरिजिनल में आएगी तो आपकी वीडियो वायरल होने के बहुत ज्यादा चांस है कि वो वायरल हो ही जाएगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आपने ध्यान करना है। साथ ही बात आती है गाइस अपलोडिंग की, गाइस कोशिश करना आपने टिकटॉक पे रेगुलर एक वीडियो डालो, एक दिन में दो दिन में डालो, कम से कम यार एक दिन में नहीं तो दो दिन में एक वीडियो आप जरूर से डालने की कोशिश पूरी करो। और गाइस टाइमिंग भी आप सेम रखोगे तो और अच्छे चांस है। लाइक अगर आप रोज 12 बजे डालते हो या 3 बजे डालते हो दिन में, तो वही टाइम रखो, उसी टाइम पे डालने की कोशिश करो, दिन में एक या दो दिन में एक बार आप डालो, ठीक है। तो गाइस ये सारे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, अगर ये सारी चीजें आप करोगे तो गाइस आपकी वीडियो वायरल होने के काफी ज्यादा चांस है। और आप एक चीज और कोशिश करो कि मैं देख रहा हूँ कई लोग क्या करते हैं, अपनी टिकटॉक वीडियो को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा एडिटिंग करते हैं, तो गाइस वो नहीं करना है, आपकी ओरिजिनलिटी उसमें दिखनी चाहिए।
आप वीडियो को अच्छा बनाने के लिए एडिट करो, बट गाइस थोड़े बहुत पार्ट्स करो और हल्के फुल्के एडिट्स करो, पूरी एडिटिंग से मत भरा, आपकी ओरिजिनलिटी दिखेगी तभी लोग आपको देखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये सारी वीडियो, ये सारी जो मैंने आपको टिप्स बताया, अगर ये सारी टिप्स आप अपनी टिकटॉक वीडियो में बनाओगे, करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो गाइस चांस है कि आपकी वीडियो वायरल जरूर करेगी, आप भी एक ना एक दिन फेमस हो जाओगे। और गाइस अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो एक ना एक दिन फेमस हो ही जाओगे, और आपने कभी भी हार नहीं माननी है, मेहनत करते जाना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो के लेते हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, कोई भी सवाल जवाब हो या अगर आपको इनसे कुछ फायदा मिले तो अभी नहीं आगे जब भी, तो यार इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और कोई सवाल जवाब हो तो वो ही पूछ लेना, सब आप ही के लिए ही हम, ठीक है। और गाइस अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।